दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Redmi 8, Redmi 8A एंड Redmi 8A Dual के MIUI 12.5 के अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स का मेरे पास कमेंट आ रहा है तीनों डिवाइस का कि भाई हमें MIUI 12.5 का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, प्लीज़ बता दो। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का दिमाग में यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि हमें अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिवाइस को अपडेट देखने को अभी नहीं मिला, सिर्फ कुछ यूजर्स को मिला, जैसे कि Redmi Note 10 Pro हो गया, Redmi K20 हो गया, मतलब जो हाई रेंज की डिवाइस है या फिर जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है उन्हें अभी तक अपडेट मिला है। जबकि Xiaomi ने जो लिस्ट दिया था वहाँ पर उन्होंने बताया था कि कौन कौन से डिवाइस को वो MIUI 12.5 का अपडेट देने वाले, उसमें यहाँ पर Redmi Note 7 से ऊपर के सभी डिवाइस का नाम दिया गया था, मतलब कि Redmi Note 7 को मिलेगा, उसके ऊपर के जितने डिवाइस है सभी को मिलेगा, उससे नीचे के जैसे कि Redmi 6 सीरीज का डिवाइस, 5 सीरीज का डिवाइस, उसको अपडेट नहीं मिलेगा, ये उन्होंने लिस्ट जारी किया था। तो जिसमें कि Redmi 8 सीरीज का टोटल नाम है, क्योंकि यहाँ पर Redmi 7 सीरीज के ऊपर का डिवाइस को मिलेगा, तो 8 सीरीज तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर डिवाइस मतलब नाम है, तो 8 सीरीज को तो अपडेट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं कि अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, अपडेट तो आपको 100% मिलेगा। तो ये अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अपडेट आपको कब मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि भाई अपडेट हमें कब मिलेगा, क्योंकि कोई अपडेट का आता पता भी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा बहुत दिन से। तो मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि यहाँ पर अभी सिर्फ 2-3 यूजर्स को अपडेट मिला है, मतलब जैसे Redmi Note 10 Pro हो गया, K20 हो गया, और यहाँ पर 1-2 डिवाइस को मिला है, मगर यहाँ पर जो 8 सीरीज़ के और 9 सीरीज़ के किसी भी डिवाइस को अभी तक कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर अभी टेस्टिंग ही चल रहा है, क्योंकि चाइना में तो फुल रोल आउट हो चुका है, बहुत अपडेट मिला है Redmi 8 सीरीज़ को, 7 सीरीज़ को बहुत अपडेट मिला है, मगर इंडिया में अपडेट भी ही देखने को सही से नहीं मिल रहा, और अपडेट मिल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा बग देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है अपडेट में, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्लैश ऑटोमेटिकली चल जा रहा है, यहाँ पर लैगिंग इशू, हैंगिंग इशू, काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इशू, बहुत ज़्यादा इशू दोस्तों यहाँ पर हमें अपडेट के साथ यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई आप अपडेट क्यों नहीं बना रहे, भाई मैं कुछ मेरा काम था जिसकी वजह से मैं अपडेट नहीं मतलब सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आप टेंशन मत लो, रेगुलर से अब मेरा वीडियो आएगा तो फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपडेट कब मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है हमें कि 2 महीने के अंदर आपको तीनों डिवाइस में आपको अपडेट मिल जाएगा, Redmi 8 हो गया, 8A हो गया एंड Redmi 8A Dual, तीनों डिवाइस में दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि 2 महीने के भीतर अपडेट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि 1 महीने के भीतर यहाँ पर जो है वो स्टेबल बीटा टेस्टिंग यहाँ पर शुरू हो जाए, जो कि कुछ परसेंट यूजर्स को मिलेगा, 5-10% यूजर्स को मिलेगा वो अपडेट, सभी को देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि वो अपडेट फुल रोलिंग आउट होने में 1 महीना और लग जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आप मान सकते हो कि उम्मीद है कि आपको 2 महीने के भीतर आपको यहाँ पर उम्मीद है कि अपडेट मिल सकता है, ठीक है। बाकी उम्मीद है, देखते हैं यहाँ पर उम्मीद पर खरा उतरता है यहाँ पर कंपनी या फिर नहीं, आपको अपडेट देता है या फिर नहीं देता है। बाकी दोस्तों अपडेट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, तो नहीं तो फिर आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस कर सकते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना, दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।